गाइस, मैं उमेश, आप देख रहे हैं सिस्टेक बनाओ। फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो हमारे पास आ चुका है गूगल पिक्सल 6 है, जिसको मैंने खुद फ्लिपकार्ट से परचेज किया है बहुत ही तगड़े डिस्काउंट के साथ। हालांकि ये चीज मैं मानता हूँ कि गूगल ने इसका जो प्राइस पॉइंट है थोड़ा ज्यादा ही रख दिया, मतलब ऑफर वगैरह के बाद में आप इसको 40,000 के प्राइस पॉइंट पर परचेज कर सकते थे, बट मैंने इसको परचेज किया है सिर्फ 29,000 के प्राइस पॉइंट के आसपास, क्योंकि बैंक ऑफर के अलावा यहाँ 2,000 रुपए एक्सचेंज के ऊपर अलग से डिस्काउंट था। सो मैंने रियलमी एक्स को यहाँ पर एक्सचेंज किया और उसके बाद में ये डिवाइस मुझे इस प्राइस पॉइंट के ऊपर पड़ा। अब यहाँ पर एडिशनली मुझे फ्लिपकार्ट का जो 5% वाला कैशबैक है वो अलग से मिलेगा, तो घुमा फिरा के डिवाइस मुझे पड़ा है सिर्फ 29,000 के प्राइस पॉइंट पर। और ऐसे के अंदर भाई डेफिनेटली काफी तगड़ी डील है। अब देखो 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है डिवाइस को यूज करते हुए और ऑलमोस्ट सारी चीजों को मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है, जो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल हो सकती है अगर आप इस फोन को लेने में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं। तो वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहना, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो आपको कहीं पर भी पसंद आता है, मेरे एफर्ट्स कहीं पर भी पसंद आते हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। सो दिस इज द रिटेल बॉक्स। बॉक्स साइज के अंदर थोड़ा छोटा है, मतलब चार्जर यहाँ पर नहीं है। बाकी बॉक्स कंटेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा मेन डिवाइस, एक यूएसबी कनेक्टर, कुछ पेपर वर्क और इसके अलावा टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल, दैट्स इट। तो चार्जर बॉक्स के अंदर नहीं है तो अलग से परचेज करना पड़ेगा, करेंगे कहीं ना कहीं से अरेंज। फिलहाल के लिए आ जाते हैं अपने मेन डिवाइस के ऊपर, जहाँ सबसे पहले अगर मैं बात करूँ उसके बिल्ड और डिजाइन की, तो फोन के जो लुक्स है ना वो काफी डिफरेंट है, काफी यूनिक है। सबसे पहले आप कैमरा मॉड्यूल को देखो, काफी डिफरेंट सा अलाइनमेंट है। अलग से यहाँ पर एक ब्लैक स्ट्रिप है जिसके ऊपर कैमरास को अरेंज किया गया है। ऊपर और नीचे की तरफ डिफरेंट ड्यूअल कलर कॉम्बिनेशन है जो इस फोन को थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं। अब अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो फोन जो है ना वो कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड के साथ में आता है। देखने में ऐसा फील होगा जैसे कि ग्लास बैग है, बट एक्चुअल के अंदर ये प्लास्टिक बैग है। तो जो 6 और 6 प्रो था ना, वहां पर आपको ग्लास बैग मिलता था, बट यहां पर इन्होंने प्लास्टिक का यूज किया है। बट जो क्वालिटी है ना प्लास्टिक की, वो काफी अच्छी देखने को मिलती है। एक हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया, तो डिवाइस डेफिनेटली काफी ड्यूरेबल है और हां काफी प्रीमियम भी लगता है। अब यहां पर जो आपको साइड फ्रेम देखने को मिलता है, ये मेटल बिल्ड के साथ में आता है, तो बिल्ड वाइज तो फोन एकदम सॉलिड है। बाकी अगर बात करूं इसके इन हैंड फील की, तो डिवाइस सिर्फ 178 ग्राम के करीब है और कॉम्पैक्ट साइज का होने की वजह से पकड़ने में बहुत ज्यादा हैंडी है। हालांकि फोन का जो थिकनेस है ना वो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद ये मानना पड़ेगा कि जो वेट मैनेजमेंट है ना वो इन्होंने काफी अच्छे से किया है, फोन आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा। अगर पोर्ट्स और बटन्स की बात करें तो बॉटम साइड में आपको देखने को मिलता है स्पीकर ग्रिल, इसके अलावा टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, राइट हैंड साइड के अंदर वॉल्यूम रॉकर बटन है और पावर बटन है, टॉप में सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक है। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर सिम कार्ड ट्रे का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जो कि सिंगल सिम कार्ड स्लॉट के साथ में आता है, बट ई सिम कार्ड का ऑप्शन आपको मिलता है, तो यहाँ पर आप डुअल सिम कार्ड को भी इस फोन के साथ में यूज कर सकते हैं। हाँ, स्टोरेज को आप यहाँ पर एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, तो 128GB के साथ में आपको मैनेज करना पड़ेगा। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि ओके काम कर रहा है, मतलब एक्यूरेसी तो ठीक है बट थोड़ा स्लो काम कर रहा है। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी थे कि अनरजिस्टर्ड जो यूजर है उनके हाथ से भी जो लॉक है वो ओपन हो रहा है, बट मैंने यहाँ पर पर्सनली इसको टेस्ट करके देखा है, मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। बाकी फोन के साथ में जो हैप्टिक्स है वो आपको काफी तगड़ी क्वालिटी के देखने को मिलते हैं। फ्रंट साइड की अगर बात करें तो ये डिवाइस 6.1 इंचेस के एक फुल एचडी प्लस ओलेड पैनल के साथ में आता है। होल पंच डिजाइन है, शार्प कॉर्नर्स आपको देखने को मिलते हैं, और अगर बात करूं बेजल्स की तो वो मुझे थोड़े से ज्यादा लगे, चिन का साइज भी थोड़ा सा ज्यादा ही है। बाकी ये जो डिस्प्ले पैनल है 60Hz का पैनल है, इस प्राइस बैंड में मोस्टली आपको जो है 90Hz और 120Hz के डिस्प्ले पैनल देखने को मिल जाते हैं, बट यहाँ पर आपको 60Hz का ही पैनल देखने को मिलता है। तो हाँ, ये जो डिस्प्ले है ना हाई रिफ्रेश रेट पैनल के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो फील होगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जैसे जैसे आप डिस्प्ले के साथ में थोड़े यूज टू हो जाओगे आपको ये चीज बिल्कुल भी नोटिस नहीं होगी। बाकी डिस्प्ले क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको काफी तगड़ी देखने को मिलती है। डिस्प्ले जो है ना वो काफी अच्छे कलर प्रोड्यूस करती है, सैचुरेटेड कलर होते हैं एकदम नेचुरल टाइप के। साथ ही साथ ये जो डिस्प्ले है HDR कंटेंट को भी सपोर्ट करता है, व्यूइंग एंगल्स भी बहुत ही प्यारे हैं। तो पर्सनली इस फोन का जो डिस्प्ले है मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। अगर बात करूं स्क्रीन ब्राइटनेस की तो देखो ऑफिशियली कितने लेवल का ब्राइटनेस है इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट आउटडोर के अंदर मैंने इसको चेक करके देखा था, डिस्प्ले काफी ब्राइट है, अच्छे से विजिबल है। इसके अलावा डिस्प्ले में आपको वाइड 11 का सर्टिफिकेशन मिलता है और प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास थिक का प्रोटेक्शन इसके साथ में दिया गया है। अगर बात करें साउंड क्वालिटी की तो डिवाइस के साथ में आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि तो साउंड क्वालिटी तो बहुत ही बढ़िया। इवन यहाँ पर जो स्पीकर है ना वहाँ पर आप हल्का हल्का बेस भी फील कर सकते हो। अब अगर सॉफ्टवेयर की बात करें जिसके लिए पिक्सल फोन स्पेशली जाने जाते हैं, तो इस डिवाइस के साथ में आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिलता है। कोई एड्स नहीं, कोई ब्लॉटवेयर नहीं, एकदम क्लीन सॉफ्टवेयर आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है, और जो सॉफ्टवेयर है वो काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज भी है। सॉफ्टवेयर मैंने देखा है काफी रेस्पॉन्सिव है, एनिमेशन वगैरह जेस्चर वगैरह बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर को यूज करने में तो आपको काफी मजा आएगा। अब अपडेट का क्या सीन है तो भाई वो भी यहाँ पर काफी बढ़िया है, क्योंकि इस फोन के साथ में आपको
5 ईयर्स के जो अपडेट है वो देखने को मिलेंगे। परफॉर्मेंस की बात करें तो गूगल ने यहाँ पर यूज किया है खुद का टेंसर चिपसेट, जो की काफी पावरफुल प्रोसेसर है, ऑलमोस्ट फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर आप इसको बोल सकते हो। चाहे ऐप ओपनिंग हो, क्लोजिंग हो, मल्टीटास्किंग हो या फिर रैम मैनेजमेंट, सब कुछ काफी फास्ट है, स्नैपी है। जिसका रीजन ये भी है कि जो सॉफ्टवेयर है ना वो यहाँ पर काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज है। बाकी अगर बात करूँ गेमिंग की तो गाइस देखो इस फोन के साथ में आप गेमिंग भी अच्छी खासी कर सकते हो, तो हाई ग्राफिक्स गेम आप यहाँ पर आराम से खेल सकते हो। लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने यहाँ पर ट्राई करके देखा था, हाई सेटिंग्स पर आपको खेलने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर S Phone 9 जैसे गेम को भी ट्राई किया, वो भी भाई यहाँ पर काफी स्मूथली रन कर रहा था। तो गेम प्ले के साथ में तो काफी मजा आया, कोई फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह मैंने यहाँ पर नोटिस नहीं किए। बाकी अगर मैं हीटिंग की बात करूँ तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में शायद किसी भी रिव्यूअर ने अभी तक बात नहीं की है। सीन ये है कि डिवाइस काफी ज्यादा हीट करता है, मतलब जब भी आप फोन के अंदर कोई हाई एंड टास्क परफॉर्म करोगे, लाइक मैंने यहाँ पर कैमरा ऐप को भी अगर थोड़े टाइम के लिए ट्राई किया तो डिवाइस हल्का हल्का गर्म होना हो जाता है। अब गेमिंग वगैरह करोगे तो डिवाइस आपको थोड़े टाइम बाद नोटिस होगा कि काफी ज्यादा हीट कर रहा है। बैक पैनल प्लास्टिक का होने की वजह से आपको फिर भी इतना ज्यादा फील नहीं होगा, लेकिन ये जो साइड फ्रेम है ना ये काफी ज्यादा गर्म होना शुरू हो जाता है और जो टेम्परेचर वो 45 डिग्री तक क्रॉस कर जाता है। तो हाँ, डिवाइस के साथ में हीटिंग इशू आपको देखने को मिलता है, जिसको गूगल को यहाँ पर बहुत ही जल्दी फिक्स करने की जरूरत है। बाकी सेम टाइम पर मैंने यहाँ पर सीपीयू थ्रोटल टेस्ट भी करके देखा था, तो जो ग्राफ था वो एक बार भी रेड के अंदर तो नहीं गया। तो हाँ, थ्रोटल वगैरह का तो यहाँ कोई इशू नहीं है। चिपसेट को थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, जो धीरे धीरे सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू की जा सकती है। अब यहाँ पर जो प्रोसेसर है ना एक कस्टमाइज प्रोसेसर है, तो यहाँ पर आपको काफी सारे पिक्सल कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं जो डे टू डे लाइफ में आपके लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। लाइक मुझे यहाँ पर जो मैजिक इरेजर का फीचर है वो काफी ज्यादा पसंद आया, तो आप इस फीचर के थ्रू किसी भी फोटो के अंदर जो है अनयूजुअल ऑब्जेक्ट जो है उनको रिमूव कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा लाइव ट्रांसलेटर हो गया और भी काफी सारे फीचर है जिनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल के लिए अगर सिक्योरिटी की मैं बात करूँ तो वहां पर ये डिवाइस एक काफी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है टाइटन M2 सिक्योरिटी चिप देखने को मिलता है, जिससे जो 5 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट है वो आपको इस फोन के साथ में देखने को मिलेंगे। अगर बैटरी और चार्जिंग फीचर की बात करें तो इस डिवाइस के साथ में आपको 4410 mAh की बैटरी दी गई है, साथ में 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। अब यहाँ पर दो चीजें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पहली चीज कि ये जो डिवाइस है सिर्फ 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, मतलब 40,000 के आसपास के प्राइस पॉइंट पर आपको देखने को मिल रहा है और सिर्फ 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। तो कम से कम यहाँ पर गूगल को 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग तो देनी चाहिए थी। चलो ये भी छोड़ो, जो 18 वोल्ट का चार्जर वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, मतलब 2,000 से 2,500 आपको उसके लिए अलग से इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अंटिल आप 18 वाट के किसी चार्जर के साथ में मैनेज नहीं करते। बाकी अगर बैटरी बैकअप की बात करूं तो सो फार सो गुड। छोटी साइज का डिस्प्ले है, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन काफी बढ़िया से किया गया है, तो यहाँ पर आपको एक दिन का बैटरी बैकअप इस फोन के साथ में आराम से मिल जाएगा। अब अगर नेटवर्क रिसेप्शन की बात करें तो ये एक 5G डिवाइस है, 5G के 19 बैंड आपको देखने को मिलते हैं, मतलब वर्ल्ड के अंदर कहीं भी जाओ 5G आप यूज कर सकते हो, तो फ्यूचरिस्टिक फोन है। इसके अलावा करियर एग्रीगेशन के फीचर को भी सपोर्ट करता है। कॉलिंग के लिए यहाँ पर आपको ड्यूअल माइक का सपोर्ट देखने को मिलता है और जो कॉल क्वालिटी आपको देखने को मिलती है वो एकदम जबरदस्त देखने को मिलती है। मैंने खुद पर्सनली इसको चेक करके देखा है, भाई कॉल क्वालिटी जबरदस्त है। इसके अलावा रैम और स्टोरेज की बात करें तो LPDDR5X रैम देखने को मिलती है। इसके अलावा जो स्टोरेज टाइप है वो आपको UFS 3.1 का देखने को मिलता है। और हाँ, स्टोरेज को आप एक्सपेंड नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड जैसा कुछ देखने को नहीं मिलता। नाउ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे लास्ट में बात करते हैं डिवाइस के कैमरास को लेकर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कहीं पर भी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलो फिर अब बात करते हैं इस डिवाइस के कैमरास के बारे में। तो पीछे की तरफ आपको दो कैमरा सेंसर देखने को मिलते हैं, मेन सेंसर 12.2 मेगापिक्सल का है, इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। अब यहां पर किसी भी तरह का गिमिक नहीं है, जो दोनों सेंसर है काफी यूजफुल सेंसर है, ये गूगल काफी टाइम से यूज कर रहा है, मतलब पिक्सल 2 सीरीज थी ना तब से इनको लेकर आ रहा है। दोनों सेंसर सोनी के सेंसर है, पुराने सेंसर है, लेकिन उसके बावजूद स्टिल यहां पर आपको जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो काफी तगड़ी देखने को मिलेगी। तो यहां पर आपको सैंपल शॉट देखो, फोटोज काफी अच्छे होते हैं, डिटेल्स वगैरह काफी बढ़िया होती है, कलर्स वगैरह स्किन टोन्स वगैरह एकदम नेचुरल टाइप के होते हैं और पॉइंट टू पॉइंट होते हैं। स्पेशली जो डायनेमिक रेंज है और जो HDR कंट्रोल है वो इस फोन के साथ में एकदम जबरदस्त तरीके से काम करता है। 12 मेगापिक्सल है लेकिन फोटोज के अंदर डिटेल में कोई कमी नहीं है, तो जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन होता है ना वो किस लेवल का होता है ये चीज आपको गूगल ही बता सकता है। मेन सेंसर हो या फिर अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर इक्वली परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं, तो ये चीज बहुत ही बढ़िया है। अगर पोर्ट्रेट शॉट्स की मैं बात करूं तो वहां पर भी आपको काफी कमाल के शॉट्स देखने को मिल सकते हैं। एज डिटेक्शन काफी अच्छा है, बैकग्राउंड ब्लर भी काफी अच्छे से कर लेता है। तो डे टाइम के अंदर इसका जो कैमरा है ना वो तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता है। अगर मैं बात करूं लो लाइट या फिर नाइट फोटोग्राफी की तो वहां भी कोई कमी नहीं है, कैमरा काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है अगर लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो तो। मेरा मतलब अगर लाइटिंग कंडीशन कम है तो वहां पर आपको फोटोज के अंदर डिटेल्स थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी और जो नॉइस है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो लो लाइट कंडीशन के अंदर ये कैमरा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। अब इतना पुराना सेंसर तो यार कितना ही यूज करोगे, देखो सेंसर की कुछ लिमिटेशन
एक्टिवेशन भी होती है। बाकी कैमरा के अंदर आपको नाइट मोड का फीचर अलग से देखने को मिलता है, जहां से आप लो लाइट के अंदर या फिर आर्टिफिशियल लाइटिंग के अंदर काफी अच्छी फोटोज ले सकते हैं। बाकी 12 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है वो भी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करता है, फोटोज के अंदर कलर थोड़े से बूस्टेड कर देता है अगर मेन सेंसर से आप कंपेयर करते हैं तो। बाकी डिटेल्स वगैरह एकदम सेम टू सेम है। बाकी सेल्फी के लिए इस फोन के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, मतलब 8 मेगापिक्सल का कैमरा इतना बेटर परफॉर्म कर सकता है ये या तो आईफोन्स के अंदर पॉसिबल है या फिर पिक्सल फोन्स के अंदर। फोटोज के अंदर जो डिटेल्स होते हैं वो काफी सही देखने को मिलते हैं, स्किन टोन्स हो, कलर कंट्रोल हो, सब कुछ काफी बढ़िया है। पोर्ट्रेट शॉट्स की मैं अगर बात करूं तो वहां पर भी जो एज डिटेक्शन है वो काफी अच्छे से कर लेता है। बाकी अगर मैं वीडियोस की बात करूं तो सरप्राइजिंग जो रेयर कैमरा है यहां से आप 4K 60 fps तक के वीडियोस बना सकते हैं और OIS का फीचर आपको अलग से देखने को मिलता है, तो काफ़ी स्टेबल वीडियोस यहां पर बना सकते हैं और क्वालिटी का आइडिया आप इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं कि किस तरह की क्वालिटी आपको रेयर कैमरा के साथ में देखने को मिलती है। बाकी सेल्फी कैमरा की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 1080p 30fps तक का ही वीडियो बनाने का ऑप्शन मिलता है। HDR भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, बट स्टेबिलिटी है ना मुझे थोड़ी सी कम लगी, मतलब वीडियो थोड़े से शेकी टाइप के होते हैं। अब गाइस जितने भी फोटोज़ मैंने इस फ़ोन के थ्रू कैप्चर किए हैं उनको अलग से मैंने ड्राइव के अंदर सेव कर दिया है और उसका जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अगर चाहें तो एक्चुअल फोटोज़ को वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब इन सब के बाद मैं फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ कि फ़ोन कैसा है, तो गाइस देखो मुझे तो ये फ़ोन पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एक तो देखो आपको एक प्रीमियम फ़ोन देखने को मिल रहा है, कॉम्पैक्ट साइज़ का फ़ोन है, इस साइज़ के फ़ोन इस टाइम पर मिल पाना काफ़ी मुश्किल है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली इस फोन के जो कैमराज है वो एकदम जबरदस्त टाइप के हैं। सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखते हैं तो वहां पर भी आपको काफी तगड़ा है, क्योंकि यहां पर आपको टाइटन M2 चिपसेट देखने को मिलती है। तो इसके अलावा परफॉर्मेंस के अंदर भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो टेंसर चिपसेट हो काफी पावरफुल चिपसेट है। हाँ, थोड़ा सा हीटिंग इशू इसके साथ में देखने को मिलता है जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स किया जा सकता है। बाकी कुछ छोटी मोटी कमियां भी है जिनके साथ आप चाहो तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, जैसे कि यहां पर चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, जो डिस्प्ले है वो वहां पर थोड़ा हाई रिफ्रेश रेट के साथ में नहीं आता। एक चीज जो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी कि डिवाइस का जो प्राइस है ना वो काफी ज्यादा है, मतलब 44,000 के प्राइस पॉइंट को देखते हुए आपको मार्केट में और भी काफी तगड़े ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, बट डिपेंड ये चीज आप पे करती है कि आप पिक्सल फोन के साथ में जाना चाहते हैं या फिर अदर ऑप्शंस के साथ में। मुझे तो देखो ये फोन ऑफर के अंदर सिर्फ 29,000-30,000 के आसपास पड़ा है, तो मेरे लिए तो एक बेस्ट डील थी। बाकी आप ऑफर वगैरह में अगर इसको लेना चाहो तो देख सकते हो। तो गाइस ये था मेरा एक इनिशियल रिव्यू गूगल पिक्सल 6a डिवाइस को लेकर। आई होप जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस किए आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल होंगे, अगर आप इस फोन में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है। अगर ऐसा है तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन दी नेक्स्ट वीडियो।